सर्विसाइटिस, क्या होता है सर्विसाइटिस? मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्विसाइटिस यानी कि सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन। तो सर्विक्स क्या होता है? बच्चेदानी के निचले हिस्से को, नीचे के भाग को सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सर्विक्स, और उसके इन्फ्लेमेशन को यानी कि उसकी सूजन को हम कहते हैं सर्विसाइटिस। सो बेसिकली गर्भाशय या बच्चेदानी के निचले हिस्से की सूजन को हम साइंटिफिक भाषा में सर्विसाइटिस कहते हैं। सर्विसाइटिस क्यों होता है? यह बेसिकली यूजुअली इन्फेक्शंस के कारण होता है। इन्फेक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, निजीरिया का इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, कभी कभी बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है, कभी कभी HPV इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी हर्पीज इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, रेयरली कभी ये कॉन्डम्स की एलर्जी के कारण भी हो सकता है। कभी कभी टैम्पोन्स जो यूज़ करती हैं महिलाएं, उसकी एलर्जी के कारण भी सर्विसाइटिस हो सकता है। अगर सर्विसाइटिस होता है तो आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? तो जो सिम्टम्स होते हैं वो सर्विसाइटिस के, वह होते हैं वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी आना, इचिंग होना, खुजली होना जैसा भी हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज स्पेसिफिकली काफ़ी रहता है महिलाओं को, उसके कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, कमर दर्द हो सकती है, बुखार भी आ सकता है कभी कभी अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो। कभी कभी इसी के कारण जो महिलाएं हैं उनको पेल्विक प्रेशर यानी कि पेल्विक वाले एरिया में प्रेशर का सेंसेशन आना, वह भी हो सकता है। पीरियड्स की इरेगुलरिटी भी आ सकती है, यानी कि पीरियड्स महीना चल रहा है, बीच में ही ब्लीडिंग हो गई या स्पॉटिंग हो गई। कभी कभी पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग भी हो सकती है, यानी कि रिलेशनशिप के बाद में हल्का फुल्का स्पॉटिंग हो जाना। तो ये तो होते हैं सर्विसाइटिस के यूजुअल सिम्टम्स। हमें कैसे पता चलता है कि आपको सर्विसाइटिस है? उसके लिए हम लोग आपको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, यानी कि नीचे से चेक किया जाता है, PV एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कि हमें ये दिखाई देता है कि बच्चेदानी के मुंह पे सूजन है या नहीं है। अगर हम लोगों को उसमें ज़्यादा डाउट लगता है तो हम फर्दर टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि हम कभी कभी पैप स्मीयर टेस्ट भी लेते हैं ये देखने के लिए कि उसमें कोई कैंसरस चेंजेस तो नहीं हो रहा है। कभी कभी दूरबीन की जांच, जैसे कि कॉल्पोस्कोपी कहते हैं, वह भी इसीलिए की जाती है कि कोई कैंसर अंदर डेवलप तो नहीं हो रहा है इसके अंदर सेकेंडरी। कभी कभी हम बहुत टाइम से ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हम कल्चर भी ले लेते हैं, यानी कि उस हिस्से में से थोड़ा सा डिस्चार्ज को ले लेते हैं जिसे हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसे हम हमारी भाषा में सर्वाइकल स्वैब कल्चर कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वह यूजुअली एंटीबायोटिक्स रहता है, एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है आपको। ऐसे ग्रॉसली ये कोई बहुत घबराने वाली समस्या नहीं है, किंतु अगर हम इसे ट्रीट ना करें तो ये आगे जाके जो सिर्फ गर्भाशय का मुख का इन्फेक्शन होता है, ये आगे स्प्रेड हो सकता है, बच्चेदानी में फैल सकता है। बच्चेदानी की साइड में जो ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, नलियाँ होती हैं, उनमें जा सकता है, अंडाशय तक में भी पहुँच सकता है, जिसे फिर हम हमारी भाषा में एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसमें ये कन्वर्ट हो सकता है, जिससे कि फिर लंबा आपको लंबे समय तक बुखार आना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, या लॉन्ग टर्म में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी कि बच्चा न ठहर पाने की समस्या आ सकती है। तो यदि आपको सर्विसाइटिस है तो घबराइए नहीं, लेकिन हाँ, एंटीबायोटिक का जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसका कोर्स पूरा लीजिए, उसको प्रॉपर फॉलोअप में रखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।